सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू किया। 2019 में मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में भी सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने लीव ली थी और अभी मेरा सिविल सर्विसेज में हो गया है। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा भारत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। बावजूद इसके हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होते हैं। इसे पास करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर UPSC में सफलता हासिल होती है। UPSC परीक्षा पास करने के बाद देश के सर्वोच्च पदों पर काम करने का मौका मिलता है। इस साल UPSC की ओर से सिविल सेवा 2021 की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट के टॉप 3 में केवल लड़कियां ही शामिल हैं। इसमें पहला स्थान श्रुति शर्मा, दूसरा स्थान अंकिता अग्रवाल और तीसरे स्थान पर गामिनी सिंगला है। वहीं उत्तर प्रदेश से भी कई अभ्यर्थियों ने UPSC की परीक्षा पास की, जिसमें अमरोहा के यक्ष चौधरी का नाम भी शामिल है। यक्ष चौधरी ने UPSC में छठा स्थान प्राप्त किया है। यक्ष ने तीसरे अटेम्प्ट में सफलता हासिल की है। सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने दोस्तों और माता पिता को इसका श्रेय दिया है। वहीं यक्ष के परीक्षा पास करने से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। इसके अलावा यक्ष चौधरी का चयन 2019 में CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हुआ था। आपको बता दें, यक्ष चौधरी अमरोहा के नौगावा के नया गाँव के निवासी हैं। मेरा 6th रैंक आया, 6th रैंक। अच्छा, इसमें आप बताएंगे कि आपका कौन सा अटेम्प्ट में नंबर आया? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। अच्छा, आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय मेरे फैमिली को सबसे पहले देना चाहूँगा, मम्मी पापा भाई बहन सबको। दूसरा मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ लोग जैसे लविका, अभिषेक, सुनील, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। और तीसरा श्रेय मैं खुद को देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मैंने अपना 10th और 12th तो सर्वोदय सरस्वती अकेडमी अमरोहा से किया है। उसके बाद मैंने अपना BTEC किया है IIT गुवाहाटी से सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू किया। 2019 में मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में भी सिलेक्शन हुआ था, उसमें मैंने लीव ली थी और अभी मेरा सिविल सर्विसेज में हो गया है। शेड्यूल तो देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज़्यादा पढ़ लेते हैं कभी कम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़्यादा पढ़ते थे, 8-9 घंटे पढ़ते थे, पर सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में थोड़ा कम हो जाता है, 6-7 घंटे इतना रहता है। एकदम ड्रीम जैसा लग रहा है सब। इसके अलावा बांदा के ऋषभ द्विवेदी 215वीं रैंक हासिल कर IPS बने। ऋषभ ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कानपुर के पूर्ण चंद विद्या निकेतन से की। UPSC क्लियर करने के बाद ऋषभ के परिवार में खुशी का माहौल है। ऋषभ अपने घर में 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं।